ये महाराज सह्यार्थ के राज में चैवन नामक का एक महर्षि रहते थे। महर्षि चैवन को प्राणायाम या योगा अभ्यास में महारत हासिल थी। अपने अखंड जप तप तथा अटूट साधना की शक्ति से उनके अंदर इतना तेज था कि मनुष्य तो देवता भी उनकी तेजस्विता का के आगे नामस्तक हो जाते थे। वे अपनी साधना के लिए अपने आश्रम तथा उसके आसपास किसी भी स्थान को चुन लेते थे और वर्षों तक तपस्या में लीन ही रहते थे। एक बार महर्षि अपने आश्रम के निकट एक स्थान पर ध्यान लगाकर बैठ गए। ऐसे ही बहुत समय गुजर गया और एक ही स्थान पर बैठे बैठे तपस्या के परिणाम स्वरूप उनके ऊपर धूल मिट्टी की परत दर परत चढ़ती गई और चली गई। कुछ समय पश्चात उनके शरीर में मिट्टी के छोटे टीले का रूप ले लिया और उसमें दीमकों तथा चींटियां ने अपने घर बना लिए। घास फूस से युक्त उस टीले को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि इसके अंदर मानव शरीर है। महर्षि चैवन के आश्रम वासियों को इस बात का पता ना था कि वे इस समय कहाँ हैं, क्योंकि वे कभी भी कहीं भी तपस्या में लीन हो जाते थे। एक दिन महाराज सह्यार्थ अपने परिवार तथा लाभ लश्कर सहित अपने राज्य और प्रजा की स्थिति की जानकारी लेने भ्रमण के लिए निकले। इसी तरह भ्रमण करते करते महाराज सह्यार्थी महर्षि चैवन के आश्रम में पहुँचे। उनके साथ उनकी सेना की टुकड़ी मंत्रीगण तथा उनकी पुत्री सुकन्या भी थी। और जब सह्यार्थी आश्रम पहुँचे तो वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि महर्षि चैवन आश्रम में न होकर अज्ञात स्थान पर तपस्या में लीन है। संध्या का समय था। सह्यार्थी तथा उनके साथी थकान से चूर थे, इसलिए महर्षि के लौटने की प्रतीक्षा करने का विचार कर सभी लोगों ने आश्रम में ही अस्थाई पड़ाव डाल दिया। महाराज सह्यार्थी की पुत्री सुकन्या अपने नाम के स्वरूप में ही अभी सुकुमारी ही थी और उसे यौवन में कदम रखे अभी थोड़ा ही समय हुआ था। अल्हड़ता तथा चंचलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। जिस समय महाराज सह्यार्थी तथा अन्य सभी लोग विश्राम कर रहे थे, उसी समय वह अपनी सहेलियों सहित आश्रम के वन उपवनों में खेलने लगी। खेलते खेलते सुकन्या अपनी सखी सहेलियों से बिल्कुल बिछड़ गई और वह भटकती भटकती उस स्थान पर पहुंच गई जहां महर्षि ध्यान लगाए बैठे थे। उस मिट्टी के टीले पर कतारबद्ध होकर ऊपर नीचे घूमती चींटियां को देखकर राजकुमारी वहीं बड़ी हैरान हुई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि टीले के भीतरी भाग से चमकती दो विचित्र वस्तुओं पर पड़ी। सुकन्या उस विचित्र वस्तुओं को एक टक निहारती रही। फिर उसने यह जानने के लिए कि ये क्या है, वहीं पास में पड़ी सूखी लकड़ी उठाकर उन्हें कुरेद दिया। सुकन्या के ऐसा करते ही उन चमकती वस्तुओं की चमक विलुप्त हो गई और उनमें से रक्त की धार फूट पड़ी। यह देख सुकन्या घबरा गई और वहां से
सिर पर पैर रखकर भाग निकली। जल्दी ही वह अपनी सहेलियों से जा मिली और आश्रम पहुंच गई। उसने अनजाने भय की आशंका को इस घटना की चर्चा की से किसी ने नहीं की, और वास्तव में सुकन्या ने जिन अनजानी वस्तुओं को टहनी से कुरेदा था वह महर्षि चैवन की आँखें थीं, जिन्हें सुकन्या ने अनजाने में फोड़ दिया था। ऐसा होने के बाद से आश्रम में ठहरे सैन्यार्थी और उनके सैनिकों की हालत बिगड़ने लगी। सभी लोग पेट दर्द से कहराने लगे, यहाँ तक कि उनके साथ आए हाथी घोड़े भी उधर पीड़ा से इधर उधर भागने लगे। केवल सुकन्या ही ऐसी थी जो इस पीड़ा से मुक्त थी। महाराज सैन्यार्थी तथा उनके मंत्रीगणों को अचानक हुई इस उधर पीड़ा का रहस्य समझ में ना आया। सभी ने सोचा कि हो ना हो हमसे किसी से कोई भयंकर अपराध हुआ है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप हमें यह दुख देखना पड़ रहा है। तभी सब लोग इस संकट से मुक्त पाने का उपाय सोच रहे थे कि धूल मिट्टी से लदपद महर्षि चैवन आते दिखाई पड़े। उनकी आँखों से खून निकल रहा था। पास आकर महर्षि चैवन ने राजा सैन्यार्थी से कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री ने तपस्या में लीन मुझ निर्दोष की आँखें फोड़ दी और मेरी तपस्या भंग करने का अपराध किया ही है। साथ ही मुझे अंधा बनाकर धर्म की जो हानि की है उसका अपराध उपाय अब तुम्हें ही करना होगा, अन्यथा इस अपराध के दंड स्वरूप जो उधर पीड़ा हुई तुम सभी सह रहे हो उससे तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सैन्यार्थी ने महर्षि चैवन के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आप जिस तरह कहें मैं उपाय करने को तात्पर हूँ, लेकिन हमें उस श्राप से मुक्ति दिलाएं। आप मेरी पुत्री को क्षमा कर हमें अभय दान दें। मुझे तुम्हारे उपाय की जरूरत नहीं है। राजन, तुम्हारी जिस मूर्ख पुत्री ने मुझे अंधा बनाया है, अगर वह जीवन भर मेरी सेवा का व्रत ले तो तुम सबका कल्याण असंभव है, अन्यथा कदापि नहीं। महर्षि चैवन ने उन शब्दों ने महाराज सैन्यार्थी को धर्म संकट में डाल दिया। कहा, वनों में रहने वाले वयोवृद्ध महर्षि चैवन और कहाँ राजमहलों में सुखों में पली बड़ी कोमल सुपुत्री सुकन्या, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। यह सोच सैन्यार्थी असहाय से विलाप करने लगे। सुकन्या का यह सब देख सुन आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपना संपूर्ण जीवन महर्षि के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। यही मेरे पापों का प्रायश्चित है।